साहब, आप प्लीज मेरे पोते को बचा लीजिएगा। आप जानती हैं ना, उसकी जान मेरे लिए बहुत कीमती है। मेरे लिए आपकी बहू की जान भी उतनी ही कीमती है। मैं तो दोनों को बचाने की कोशिश करूंगी। शैलीना बेटा, जी पप्पू। बेटा तुम राहिल से जरा बात करो ना, उसे समझाओ कि वो अपनी जिद छोड़ दे। देखो बेटा, बहन भाई का रिश्ता तो नहीं टूट सकता। अब अहमर और अपने बारे में सोचकर देखो, तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी अगर अहमर तुमसे कितना ताल्लुक कर ले तो। पप्पू, मेरी और अहमर की मिसाल तो आप ना ही, आपकी बेटी जैसी नहीं। शैलीना, पप्पू मुझसे कोई उम्मीद ना रखिएगा। उसके करतूतों की वजह से मुझे जितनी तकलीफ पहुंची है, उसके बाद उसकी शक्ल देखने की मैं तो बिल्कुल रवादार नहीं हूं। माशाल्लाह, मेरा शामी आ गया। मेरा शामी, ये बिल्कुल मेरा शामी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने प्यारे। देखो बिल्कुल वही शामिर। तबरेज़ देखो, देखो मेरा शामिर आ गया है ना, बिल्कुल शामिर। रानिया, रानिया देखो आंखें खोल के बेटा। रानिया, रानिया ये देखो छोटा शामिर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अच्छा ये बताए कि मैं रानिया को और बच्चे को घर कब लेके जा सकती हूँ? वहाँ इसके दादा ना इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभी तो इन्हें यहीं रहना होगा, आप तो जानती हैं रानिया की कंडीशन। मैं चाहती हूँ ये मुकम्मल सेहतमंद होकर घर जाएं, ताकि ये अपना और अपनी बेबी का ख्याल रख सकें। अम्मी, डॉक्टर ठीक कह रही, मेरे ख्याल से रानिया की यहाँ ज़्यादा अच्छी टेक केयर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन दो चार दिन रानिया के पास कौन रहेगा? तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और अभी तो मेरी टांग भी सही से ठीक नहीं हुई है। अलीजे को ले आता हूँ ना मैं, वो रखेगी रानिया का और छोटे का ख्याल, फिर मैं भी तो यहाँ पे होऊंगा। आप परेशान हो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। चले मैं आपको छोड़ आता हूँ, फिर वापसी पे अलीजे को ले आता हूँ। ठीक है। मोहसिन, मैं क्या बताऊं आपको, इतना प्यारा है वो। जब मैंने उसे गोद में लिया ना, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे जैसे मेरा शामिर लौट आया हो। बहुत प्यारा है, इतना मासूम है, बिल्कुल बना बनाया मेरा शामिर है। आप कल मेरे साथ हॉस्पिटल चलिएगा ना। उस लड़की को वहां क्यों भेजा है तुमने? क्या करती मोहसिन, मेरी मजबूरी थी ना। अब सईदा को तो नहीं छोड़ सकती थी ना रानिया के पास कि वो उसकी देखभाल करे। छोटा सा बच्चा है, उसे नुकसान पहुंचा सकती है वो। उसकी हिम्मत नहीं है नुकसान पहुंचाने की। और वैसे भी तबरेज है ना वहां पर, तबरेज के होते हुए वो कुछ नहीं करेगी। खाली हाथ ही आ गई हो, मुंह तो मीठा करवाओ फिर। अरे अभी लेकर आई मिठाई।